In this video, I am talking about the RBP multipurpose register, which is related to the internal microprocessor architecture of 8086 microprocessor. इस वीडियो में मैं बात करूँगा RBP multipurpose register के बारे में, जो related है internal microprocessor architecture of 8086 से. तो चलिए शुरू करते हैं. RBP एक multipurpose register है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया है. RBP क्या है? एक मल्टीपर्पस रजिस्टर है जो कि रिलेटेड है 8086 माइक्रो प्रोसेसर से. RBP का दूसरा नाम है बेस पॉइंटर. बेस पॉइंटर दूसरा नाम इसलिए है क्योंकि यह बेस पॉइंटिंग के लिए यूज़ होता है. बेस पॉइंटर इसका नाम है. RBP को एड्रेसेबल किया जाता है. RBP एड्रेसेबल होता है एज RBP, EBP या फिर BP. ये इसके अदर नेम्स हैं, इनसे RBP को एड्रेस किया जा सकता है. जो भी RBP मल्टीपर्पस रजिस्टर होता है वो क्या करता है, वो पॉइंट करता है किसे पॉइंट करता है? एक मेमोरी लोकेशन को यह पॉइंट करता है. और यह मेमोरी लोकेशन किस में हो सकता है? यह मेमोरी लोकेशन हो सकता है सारे वर्जन्स में हो सकता है माइक्रोप्रोसेसर के. ऑल वर्जन्स ऑफ माइक्रोप्रोसेसर्स में हो सकता है. यह RBP जैसा कि हमने अभी आपको बताया पॉइंट्स करता है एक मेमोरी लोकेशंस पे जो पाया जाता है माइक्रोप्रोसेसर के सारे वर्जन्स पे. किस पर्पस के लिए होता है RBP? मेमोरी डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है. RBP यूज़ होता है मेमोरी डेटा ट्रांसफ़र के लिए. इस वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे RDI डेस्टिनेशन इंडेक्स के बारे में. तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.